सब्सक्राइब करिए ज्योतिष माइंड चैनल को और बेल आइकन का दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे hey दोस्तों, अक्सर हम दोस्तों से बात करते वक्त डीपी का यूज करते हैं। कोई बोलता है योर डीपी इज लुकिंग सो नाइस, योर डीपी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, बट क्या आपको पता है ये जो डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर और कोई कोई भी इसको बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर। इसको तो आपने सबने यूज किया होगा सोशल मीडिया में। तो LOL का मतलब होता है लाफ आउट लाउड। इसका मतलब कोई कोई समझते हैं कि लॉट्स ऑफ लव होता है, लेकिन ये लॉट्स ऑफ लव नहीं होता है, ये होता है लाफ आउट लाउड। सो नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपके प्रोफाइल पिक्चर पे LOL लिखता है तो आप समझ जाइए कि वो लॉट्स ऑफ लव नहीं लिख रहा है, लाफ आउट लाउड लिख रहा है, मतलब वो हंस रहा है आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे। ये होता है ROFL। इसका फुल फॉर्म होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। ये भी बहुत लोग सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। ये वर्ड लोग यूज करते हैं कोई अगर बहुत जोर से हंसना चाहता है तो ROFL का यूज इस्तेमाल करते हैं, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। मगर ये नहीं लगता कि ये सच में हंस रहा है, क्योंकि आपको तो कोई लिख रहा है ROFL तो आपको पता नहीं है वो इतना हंस के लिख रहा है और कि खाली ऐसे लिखने के लिए लिख रहा है। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए ROFL क्या होता है। तो ROFL होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। ये है LMAO। ये भी बहुत लोग सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाफिंग माय आस ऑफ LMAO। तो नेक्स्ट आते हैं BFF। लोग जो दोस्तों लोग जो मिलते हैं एक साथ तो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं अपना फोटोज़, तो वो लिखते हैं #BFF। तो ये BFF क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। नेक्स्ट आते हैं DM। ये भी एक पॉपुलर सोशल मीडिया शॉर्ट मैसेज है। तो DM क्या होता है? जो लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि DM क्या होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पे ये ट्विटर यूज़ किया तो एक लोग ने मेरे को मैसेज किया और वो मतलब उनका प्रोफाइल मैं देख रहा था तो वो लिखा था कि फॉर कोलैबोरेशन और फॉर बिजनेस प्लीज़ DM मी। तो उसका मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया और उसका मतलब था डायरेक्ट मैसेज। तो DM का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज। जो लोग पब्लिकली मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो उनको ये बताते हैं कि आप हमें प्राइवेट मैसेज में मैसेज करो, और बिजनेस कोलैबोरेशन और कुछ भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करो। तो ये ज़्यादातर आप देख पाएंगे इंस्टाग्राम और ट्विटर में लिखा होगा प्लीज़ DM मी। नेक्स्ट आते हैं RT। तो ये RT क्या होता है? ये खाली ट्विटर में ही होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा RTs आर नॉट फॉर एंडोर्समेंट्स। माने जो वो रीट्वीट करते हैं किसी का भी ट्वीट तो एंडर्स नहीं करते, वो उनके लिए वो प्रमोट नहीं करते, वो पैसा नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो लिखते हैं RTs आर नॉट फॉर एंडोर्समेंट्स। तो उनका मतलब है रीट्वीट। नेक्स्ट है TTYL। तो बहुत लोग व्हाट्सएप में और फेसबुक मैसेंजर में भी यूज़ करते हैं TTYL का। जब कोई किसी का काम रह जाता है चैटिंग करते वक्त तो मतलब वो मैसेज कर देता है शॉर्ट फॉर्म में टॉक टू यू लेटर। इसका फुल फॉर्म होता है टॉक टू यू लेटर। तो बहुत लोग नहीं जान पाते हैं TTYL लिखने के बाद, सो लोग फिर गूगल पे आके सर्च करते हैं। तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है टॉक टू यू लेटर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. I'm trying not to let go.